हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी का सारे चैप्टर वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज चौथा चैप्टर होगा दोस्तों, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितना कार्बन उपस्थित होता है? तो दोस्तों, भूपट्टी में खनिजों के रूप में प्रचुर मात्रा में 0.02% कार्बन उपस्थित होता है, जो हाइड्रोकार्बोनेट, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में उपस्थित होता है दोस्तों। ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.02%। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? तो दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में 0.03% उपस्थित होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीथेन किसका प्रमुख घटक है? दोस्तों, मीथेन जो होता है दोस्तों CH4, ये किसका प्रमुख घटक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद LPG, और एक याद रखिएगा दोस्तों, LPG और जो होता है दोस्तों, LPG का प्रमुख घटक जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, वो ब्यूटेन होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म साझेदारी द्वारा बनने वाला बंधन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन का दो इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा, है ना दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, एक पेयर से बनने वाले साझेदारी बनने वाले बंधन को, जब भी साझेदारी या एक युग्म के साझेदारी के द्वारा आएगा दोस्तों, तो वो बनता है मेरा सहसंयोजक बंधन। आप लोग को दिखा देते हैं कैसे बनता है। जैसे CH4 मीथेन का अगर हम बिंदु संरचना लिखेंगे तो दोस्तों, सी कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके ऐसे ऐसे बंधन बनाएगा दोस्तों, और कार्बन जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बनने वाला बंधन होता है दोस्तों, वो मेरा सहसंयोजन बंधन होता है। और हाइड्रोजन बंधन दोस्तों, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन याद रखिएगा दोस्तों, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनने वाला बंधन जो होता है दोस्तों, और हाइड्रोजन बंधन कहलाता है दोस्तों। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के साथ अगर बंधन बनाएगा तो वो हाइड्रोजन बंधन कहलाता है दोस्तों। और वैद्युत संयोजन बंधन दोस्तों, आप पिछले कक्षा में बताया था, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से या आयन का आदान प्रदान करने से बने यौगिक को विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं दोस्तों। जैसे NaCl दोस्तों, Na में सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट कक्षा में और क्लोरीन का 17 होता है। तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन बोलते हैं दोस्तों। और ये बहुत मजबूत बंधन होता है दोस्तों, अपेक्षा सहसंयोजन बंधन के। ठीक है दोस्तों, तो इसका और आयनिक बंधन का होता है दोस्तों, विद्युत संयोजी बंधन या आयनिक बंधन जो होता है, इसका तापमान मतलब बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक यानी क्वथनांक बिंदु एवं गलनांक बिंदु बहुत ही अधिक होता है, जबकि सहसंयोजक बंधन का गलनांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु दोनों कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, कार्बन का ही रूप है दोस्तों हीरा, कार्बन का अपरूप होगा हीरा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा दोस्तों, और ये कार्बन का अपरूप है जो 3D संरचना में पाया जाता है दोस्तों, हीरा। और ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, षष्ठकोणीय संरचना में होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सवाल ये पूछा है, कार्बन के बीच केवल एक आबंध से बने यौगिक को, यानी एक ही बॉन्ड होगा कार्बन और दो कार्बन के बीच, ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों संतृप्त यौगिक। और जब कार्बन के अणुओं के बीच, कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होगा तो उसे बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक आबंध पूछा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका संतृप्त यौगिक। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त यौगिक होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संतृप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा, अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा तो दोस्तों इसे बोलते हैं एल्केन। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ ए एन ही आता है। जब डबल बॉन्ड होगा दोस्तों तो इसे बोलते हैं एल्कीन, ई एन ई होता है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा दोस्तों, ट्रिपल बंधन होगा दोस्तों, ट्रिपल, तो इसको बोलते हैं एल्काइन, वाई एन ई होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये तीनों अल पूछता है क्वेश्चन। तो इसका संतृप्त यौगिक जो होगा दोस्तों वो एल्केन होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, एल्कीन ई एन ई है, डबल बॉन्ड होगा, इसका होता है दोस्तों सी एन एस टू एन, ठीक है दोस्तों। और एन बराबर जहाँ दो से स्टार्ट होता है दोस्तों, दो तीन चार, ठीक है दोस्तों। और एल्केन का जो होता है दोस्तों सी एन एस टू एन प्लस टू, जबकि एल्काइन का होता है दोस्तों सी एन एस टू एन माइनस टू, है ना दोस्तों। यहाँ पे कार्बन का संख्या दो रखिएगा तो सी टू एच फोर, है ना दोस्तों। यहाँ रखिएगा तो सी टू एच सिक्स, यहाँ रखिएगा दोस्तों कार्बन की एन बराबर दो तो सी टू और एच टू, है ना दोस्तों। इसे बोलते हैं एल्केन, इसे बोलते हैं एल्कीन, इसे बोलते हैं एल्काइन, ठीक है दोस्तों। तो इसका सामान्य फार्मूला सी एन एस टू एन हो गया एल्कीन का, और इसका एल्केन का हो गया सी एन एस टू एन प्लस टू एल्केन का, और एल्काइन का हो गया सी एन एस टू एन माइनस टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एन एस टू एन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने के पश्चात क्या बनता है? तो दोस्तों कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये सी ओ टू तो बनेगा बनेगा, उसके बाद ऊष्मा भी कुछ उत्पन्न करता है दोस्तों, और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, भोजन को पकाने के लिए हम लोग किस प्रकार का वसा का उपयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों जो भोजन पकाते हैं दोस्तों वो असंतृप्त वसा का उपयोग करते हैं। असंतृप्त मतलब कार्बन के अणु के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत होता है? तो सिरका जो होता है दोस्तों वो एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल का जो प्रतिशत होता है सिरका में दोस्तों वो 3 से 4% होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। साबुन किससे तैयार किया जाता है? तो साबुन जो है दोस्तों एस्टर से तैयार किया जाता है, एस्टर से तैयार किया जाता है दोस्तों। एस्टर को अगर आप, एस्टर को दोस्तों एन एन एस्टर को दोस्तों एस्टर को प्लस एन ए ओ एच की उपस्थिति में अगर दोस्तों गर्म करते हैं एन ए ओ एच, तो ये मेरा साबुन सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए बन के तैयार होता है, प्लस जल बनता है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, एस्टर के साबुन जो है एस्टर से तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलाने पर किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करता है? तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे असंतृप्त बोलते हैं दोस्तों। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन
वायु की उपस्थिति में जलाने पर दोस्तों जो है नीला और स्वच्छ रंग देगा, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को डबल बॉन्ड या त्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक को जलाने पर यह जो है पूरी तरह से नहीं जलेगा दोस्तों, और ये धुआं और पीला रंग का ज्वाला के साथ उत्पन्न करेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर संतृप्त पूछा है, तो ये तो जलेगा दोस्तों, और ये नीला और स्वच्छ धुआं उत्पन्न करेगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए उसमें कौन सा उत्प्रेरक मिलाया जाता है? ठीक है दोस्तों, अगर कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के परमाणु के बीच, और इसे आपको सिंगल बॉन्ड में बनाना है, तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक? उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इसमें जो मिलाया जाता है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त बनाने के लिए निकल मिलाया जाता है दोस्तों, निकल या पोलेडियम। तो निकल ही अभी तक जितना बार पूछा है दोस्तों, निकल ही मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस अभिक्रिया को जो बोलते हैं दोस्तों संकलन अभिक्रिया। वनस्पति तेल या वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा ही किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, साबुन के अणु में आयनिक भाग को क्या कहते हैं? क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं अधिकांश कपड़े में जो है तेलीय मैल जो होता है तेलीय होता है, तो मान लेते हैं ये कपड़े का मैल है दोस्तों। तो यहाँ पे साबुन जब मिलाएंगे तो जो आयनिक भाग होगा साबुन का वो बाहर की ओर रहता है दोस्तों, जो आयनिक भाग होगा वो बाहर की ओर होता है, और जबकि इसका जो आयनिक भाग और जो आयनिक भाग होता है दोस्तों ये तेल के साथ नहीं घुलता है, ये घुलता है जल के साथ, और जो आयनिक भाग नहीं होता है दोस्तों ये तेल के साथ घुल जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार का मिसेल का संरचना बनाता है, जो आयनिक भाग होता है दोस्तों वो जल के साथ घुलता है, जो आयनिक भाग नहीं होता है वो तेल के साथ घुलता है, और जो जल के साथ घुलता है दोस्तों उसे जल विरागी बोलते हैं, सॉरी जलरागी सिरा बोलते हैं, और जो तेल के साथ घुलता है दोस्तों उसे जल विरागी सिरा कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन के अणु आयनिक भाग में आयनिक भाग को क्या कहते हैं, जो आयनिक भाग होता है दोस्तों उसे जलरागी सिरा कहते हैं, और वो जल के साथ घुलता है, जबकि जो आयनिक भाग नहीं होता है वो तेल के साथ घुलता है, उसे जल विरागी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कठोर जल में उपस्थित होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कठोर जल में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेल्डिंग में किस वेल्डिंग के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वेल्डिंग के लिए जो दोस्तों इथाइन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वेल्डिंग करते समय वायु का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो है दोस्तों इथाइन और ऑक्सीजन उपस्थित किया जाता है, और इसका इथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण को दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा, इथाइन और ऑक्सीजन के मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों, इथाइन और ऑक्सीजन के मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 से इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? तो सहसंयोजक बंधन जब भी पूछे दोस्तों उसका संरचना बना लीजिए, है ना दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन का 1। तो दोस्तों देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर मेरा 7। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर खाना बना रहे हैं और बर्तन से बाहर की तली अगर काली हो रहा है तो ईंधन पूरी तरह नहीं जल रही है, इसका मतलब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि आप साबुन को लिटमस पेपर में जांच करें तो इसका रंग कैसा होगा? दोस्तों हम जानते हैं साबुन जो होता है वो क्षार होता है, और लिटमस पेपर जो है लाल और होता है दोस्तों नीला, है ना। तो यदि साबुन को लिटमस पेपर में जांच करें तो इसका रंग कैसा होगा? तो
दोस्तों अम्ल के साथ जो होता है लिटमस पेपर लाल रंग देता है, क्षार के साथ पीला रंग देता है, और हम जानते हैं साबुन जो है क्षार है, इसीलिए इसका नीला रंग देता है दोस्तों, क्षार के साथ, सॉरी दोस्तों, लाल रंग जो देता है लिटमस पेपर वो अम्ल के साथ, और नीला रंग जो देता है दोस्तों लिटमस पेपर क्षार के साथ, और साबुन जो है दोस्तों क्षार है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन है, कार्बन चार इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों अगर कार्बन का परमाणु संख्या 2-6 है दोस्तों, और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो बचेगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हीलियम का नाभिक हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, एल्केन में बनने वाला बंधन का बताइए, नाम बताइए, कितना बंधन बनता है दोस्तों एल्केन में। एल्केन में अभी बताया दोस्तों ए एन ई रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, ई एन ई रहेगा तो डबल बॉन्ड, और वाई एन ई रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, है ना दोस्तों, और ये जो है ये सिंगल बॉन्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मिशेल बिलियन किस रूप में बना होता है। तो दोस्तों मिशेल बिलियन जो बनता है, और दोस्तों जो ये साब मिशेल बिलियन जो बनता है, जैसे अभी बताए ये अगर कण है मैल का, तेलीय कण है, तो इसका जो है आयनिक भाग साबुन का बाहर की ओर जल के साथ मिला रहेगा, जिसे जल रागी सिरा, और एक अंदर की ओर होगा, इस ये जल के साथ नहीं घुला रहेगा, ये तेल के साथ घुला रहेगा, इसे जल विरागी सिरा बोलते हैं, और इस मिश्रण को दोस्तों मिशेल संरचना बनाता है इस प्रकार दोस्तों, और इसको बोलते हैं कोलाइड। ठीक है दोस्तों, मिशेल बिलियन किस रूप में बना होता है दोस्तों, कोलाइड के रूप में बना होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध एसिटिक एसिड गलनांक कितना होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिए दोस्तों, शुद्ध एसिटिक एसिड गलनांक जो होता है 290 केल्विन याद रखिएगा दोस्तों। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अल्कोहल जो है वो एसिड है दोस्तों, एसिड है, और आपको हम पहले कक्षा में बता चुके, जब एसिड और कोई मेटल अगर रिएक्शन करता है, अम्ल और कोई धातु अगर रिएक्शन करता है, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल है, ये क्वेश्चन तो डबल चल गया दोस्तों, ये असंतृप्त होगा वनस्पति तेल। ठीक है दोस्तों, हैलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो हैलोजन समूह में दोस्तों कौन सा आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका वही जो इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है दोस्तों, वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो हैलोजन समूह के संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, एक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसे क्या कहते हैं जो जो अभिक्रिया नहीं करता पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो अभी बताया दोस्तों, उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। कुछ पदार्थ की अन्य पदार्थ की ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो पदार्थ अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ बस यहीं तक ख़त्म हो चुका है, और कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए आपके, है ना दोस्तों, एसिटिक अम्ल तथा क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मीथेन, इन सब का क्वथनांक और गलनांक दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको याद करना है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एसिटिक अम्ल का गलनांक जो है 290 डिग्री, और इसका क्वथनांक जो होता है दोस्तों 391, इसको याद रखिएगा दोस्तों। एसिटिक अम्ल का जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है, और जबकि क्वथनांक होता है 391 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म का उसी तरह जो है गलनांक 290 केल्विन, और क्वथनांक जो होता है 334 केल्विन। एथेनॉल का जो गलनांक होता है 156 केल्विन, क्वथनांक होता है 351 केल्विन। ठीक है दोस्तों, मीथेन का 90 केल्विन, ये दोनों तो बहुत ही याद है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, इस दोनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला कोई आगे दोस्तों, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, जैसे क्लोरो ब्रोमो। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे दे देगा दोस्तों, ओएच का फंक्शनल ग्रुप
का है, तो बोल किस फंक्शनल ग्रुप का। तो दोस्तों इसको बोल दी, इसको ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ओ एच जहाँ भी रहेगा, जैसे C2H5OH है ना दोस्तों, ये इथाइल एल्कोहल होता है, तो दोस्तों ओ एच जो है एल्कोहल को डिनोट करता है, तो ओ एच का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए कीटोन, ये दोनों तो याद है दोस्तों सभी को, क्लोरोब्रोमो इसको बोलते हैं दोस्तों। ओ एच ग्रुप को, ओ एच फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल समूह का है दोस्तों, जैसे ये वाला सी, ये दोस्तों एल्डिहाइड का है। उसके बाद यहाँ आते हैं दोस्तों, ये कीटोन का है और ये कार्बोक्सिलिक, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। और अगर सेशन पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह अगला चैप्टर हम लोग सारे चैप्टर को एनसीईआरटी का कवर करेंगे, कुल 16 चैप्टर है दोस्तों, और 16 चैप्टर को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बस यहीं तक आज रहने देते हैं, धन्यवाद।